राजधानी जयपुर के हसनपुरा इलाके में दो समुदायों के बीच कहासुनी के बाद देर रात पथराव हो गया। घटना सदर थाना इलाके के बंजारा मोहल्ला व मेहरा बस्ती की है, जहां देर रात गाड़ी पार्किंग को लेकर दो समुदायों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव की सूचना मिलने पर वेस्ट जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एहतियात के चलते इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात कर हालात काबू में किए और दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत कराया। वहीं घटना के विरोध में एक पक्ष के लोग शुक्रवार सुबह सदर थाने पहुंचे और धरना दिया। महिलाओं ने गणगौर बिंदौरे के दौरान दूसरे पक्ष के युवकों द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस कार्रवाई से नाराज लोगों के समर्थन में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर गश्त बढ़ाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं एडीसीपी वेस्ट बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि पथराव की घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत कराया है। वहीं एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। मामले में करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, बार बार कहने के बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से लगातार वहाँ चौकी की स्थापना, लगातार गश्त की व्यवस्था और वहाँ जो जिम्मेदार आपराधिक तत्व हैं उनको कहीं ना कहीं नाकेबंद करके पूरी तरह बंद करने की कार्रवाई होनी चाहिए, जो पूरी तरह चलता है। हमने एक ही कहा पुलिस प्रशासन से, कल की घटना भी जो मेहरा बस्ती और बंजारा बस्ती हुई है, उस घटना में भी कुछ लोगों ने आकर के पूरी तरह से हमला किया बस्ती के ऊपर। आज जो हमला करने वाले हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उस क्षेत्र में एक आरएसी की पुलिस की मिलकर के पुलिस पोस्ट बननी चाहिए। तीसरी बात, जो भी व्यक्ति वहां पर रहते हैं उन सब के घरों के ऊपर एक सघन सर्च अभियान बनना चाहिए। घर के ऊपर पत्थर क्यों रखे हुए हैं, किसी के पास हथियार हैं तो, अगर लाइसेंस वाले नहीं हैं तो हथियार किस प्रकार से हैं, इनका सघन जाँच पूरे क्षेत्र की हो और एक एक घर की जाँच करके जिस व्यक्ति के पास तरह की चीजें उसके ऊपर सख्त कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, बार बार कहने के बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से लगातार वहाँ चौकी की स्थापना, लगातार गश्त की व्यवस्था और वहाँ जो जिम्मेदार आपराधिक तत्व हैं उनको कहीं ना कहीं नाकेबंद करके पूरी तरह बंद करने की कार्रवाई होनी चाहिए, जो पूरी तरह चलता है। हमने एक ही कहा पुलिस प्रशासन से, कल की घटना भी जो मेहरा बस्ती और बंजारा बस्ती हुई है, उस घटना में भी कुछ लोगों ने आकर के पूरी तरह से हमला किया बस्ती के ऊपर। आज जो हमला करने वाले हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उस क्षेत्र में एक आरएसी की पुलिस की मिलकर के पुलिस पोस्ट बननी चाहिए। तीसरी बात, जो भी व्यक्ति वहां पर रहते हैं उन सब के घरों के ऊपर एक सघन सर्च अभियान बनना चाहिए। घर के ऊपर पत्थर क्यों रखे हुए हैं, किसी के पास हथियार हैं तो, अगर लाइसेंस वाले नहीं हैं तो हथियार किस प्रकार से हैं, इनका सघन जाँच पूरे क्षेत्र की हो और एक एक घर की जाँच करके जिस व्यक्ति के पास तरह की चीजें उसके ऊपर सख्त कर रहे हैं। अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं, बाकी अभी जो तात्कालिक कारण था वो आपस में जो विवाद हुआ उस विवाद के कारण से कई घटना, अब उस लोगों को डिटेन किया जिनको हम गिरफ्तार करें। निकाल रहे थे हम लोग, उसमें लड़के मोहल्ले में रहती हूँ, शाम को 8:30 बजे भिंदौरा निकाल रही थी, लड़कियाँ बहुत सारी थी। उन लड़कियों के छेड़छाड़ करने पर हमारे वाले लड़कों ने यूँ कहा कि भैया आप ध्यान से रहो, लड़कियाँ जा रही है भिंदौरा निकालने, तो उनको छेड़ो मत। उसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई, उन्होंने हाथापाई करी, फिर हमारे बच्चों ने भी हाथापाई करी, लेकिन पहले उन लोगों ने मारा जो ये वॉमन थे। फिर क्या हुआ, कम से कम भी 100-200 लड़के आए,
किसी के हाथ में लकड़ी सरिये तलवार मार देंगे काट देंगे। और हमारी गली जाके देखो आप, बिल्कुल पत्थर से भरी पड़ी हुई है। हमारे कम से कम 4-5 लोग घायल हो गए। ये लेडीज है, माता जी को बुलाओ। एक दफे आए तो मैं शांति करके भेज दिए उनके, भाई करने पड़े हैं कोई बात को ना, लड़ाई होगी। फिर मैं बैठ गई चूतरे पे तो 250-300 आदमी आके भाटे बगाए ऊपर छत बड़ी बड़ी छत मनी कर दिया पहले उसको, फिर मैं बैठ गई, फिर भी 250-300 आदमी आके हमला कर दिए। यहाँ पे आए पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी तो 2 घंटे में गए थे। चार जगह गए थे पुलिस वाले, झूठ नहीं मिलू। 4 जनों पे तो वो खूब पत्थर की थी, तो बेचारे 4 जने क्या करता। नाम बताओ बसंत।